अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महपाड़ा जी आर ब्लॉगिंग हेड ऑफ सोसाइटी ईमेड विच इज़ सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड टुडे आई एम हेयर विद द रहमान रफीक विच इज़ माई कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्लॉगिंग. कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हेलो, माई सेल्फ रहमान रफीक, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट. जी रहमान, बताइएगा कि ईमेड के बारे में आप क्या जानते हैं? ईमेड इज अ वेलफेयर सोसाइटी इन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी. वाहद भाई, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर रोज गार्डन में रोजेस की फ्रेग्रेंस की बजाय यहाँ पे हर तरफ पेट्रोल की खुशबू फैली हुई है. क्योंकि मैं खुद लेके आया हूँ ना पेट्रोल, तो इनको मैंने सप्लाई. अच्छा, ये क्या माजरा है यहाँ पे पेट्रोल की खुशबू और रोज गार्डन में? असल में यही है ना कि पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त आ रहा, तो पाकिस्तान के पास तेल के कुएं निकल आए. पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये जो तरक्की के परवाने हैं जिन्होंने तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं. अच्छा, तो हम तरक्की के परवानों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या माजरा है. चले आए हम प्रेसिडेंट ईमेड से बात करते हैं. ईमेड से हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इनिशिएटिव लिया हमने रोज गार्डन की वॉल को जो है ना, वॉल पेंटिंग के टाइटल के अंदर जो है ना वॉल पेंट करना शुरू किया. ठीक है, और ये सुबह से देखिए थक रहे हैं फुल टाइम और हम सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं. ये जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है वॉल पेंटिंग का, ये हमने 14 अगस्त के थीम के अकॉर्डिंग किया, बिकॉज 14 अगस्त करीब है और बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म शो करवाने की कोशिश किया कि वो अपनी स्किल्स शो करें. और हमारे FMU के अंडर जितने भी आर्टिस्ट हैं या पेंटर्स हैं, प्रोफेशनल पेंटर्स हैं, उन सबको हमने इन्वाइट किया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से साथ दिया है और इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया है. हमारी एक्सपेक्टेशन से सारा कुछ अरेंज करने के पीछे एक मकसद था, वो ये था कि 1.5 साल कोविड के मतलब लॉकडाउन के बावजूद बच्चे जो बंद थे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ से दस्तरबरदार होकर, ठीक है, अपनी सोच को खोलना चाहिए और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आए. इसीलिए हमने इसको कॉलेज लेवल पे करवाया और सबसे पहले शुक्र है अल्लाह का कि हमने ही ये इनिशिएटिव लिया ताकि कॉलेज लेवल पे कोई एक्टिविटी करवाई जाए और हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो. इसमें हमारी सबसे पहले कोशिश यही थी कि जितने भी हमारे यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि मतलब जिससे जितनी भी हो सकता है, जितनी कोशिश वो कर सकता है उतनी करके इसमें पार्टिसिपेट लाजमी करें. और ये कॉलेज लेवल पर जिस तरह दोबारा PMC में जान आ गई हो, ये हमारी कोशिश थी. शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जो है हमें बड़ी हिम्मत दी और सारे बच्चों का शुक्रिया जो आए हैं, ठीक है, अपनी क्लासेस छोड़ के. थैंक यू, बीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें परमिशन दी इस चीज़ के लिए. ठीक हो गया, मैम हो गया, बेसिकली इन्हें सुपरवाइज कर रही हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में बस ये कंप्लीट हो जाएगा फाइनल. थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट ईमेड. चलो बच्चों, हम चलें और देखें कि बच्चे वॉल पेंटिंग में क्या कर रहे हैं. लेट्स गो. अस्सलाम वालेकुम आपी. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? हम लोग इंडिपेंडेंस डे के थीम पे वॉल पेंटिंग कर रहे हैं. इसमें सोल्जर्स हैं एंड प्लेन्स हैं और पीछे हमने जो है वो इंडिपेंडेंस डे के थीम्स जो है हमारे दो, ग्रीन और वाइट, उसका बैकग्राउंड करना. अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. हाँ जी. और मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा. आज के इवेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नए नए बच्चों का टैलेंट देखने के लिए हमें मिल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. सो रहमान, वेयर आर यू गोइंग ब्रो? लेट्स सी ब्रो. अस्सलाम वालेकुम. दुलो भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. वॉल पेंटिंग हो रही है, ये इवेंट वापस आया है PMC के अंदर 2 साल बाद, और ईमेट की बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने वापस ही लेके आए हैं, फ्लैग बनाया है और साथ उसमें चारों सुबह शो करने की कोशिश की है और ये मज़ारे का ईद है. रहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, मैं ठीक हूँ. और इस तरह की एक्टिविटीज़ ना यूनिवर्सिटीज़ में होती रहनी चाहिए, मतलब इससे जो बच्चे डॉक्टर्स हैं, अब उनका जो इनर टैलेंट होता है ना वो ऊपर के बाहर आते हैं. कोरोना के बाद मतलब एक बच्चों को अच्छा मौका मिल गया तफरी का, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए. बिल्कुल. यहाँ पे हम कर रहे हैं पेंटिंग
और वहाँ पे कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं ड्राइंग, वो जो बच्चे नहीं करते छोटे बच्चे वो कर रहे हैं। और यहाँ पे फुल पार्टी हो रही है, फुल पार्टी। ये हमारे टीम लीड हैं, आप देख सकते हैं, वो देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं बनाएगा, सारे लोग फौज पे देखे, कुछ फौजी बना रहे हैं, लेकिन दिल से पाकिस्तान का झंडा प्योर अल्टीमेट चेक करें आप। ये देखिए, ये हमारा दरा खैबर, ये ज़ियारत है, ये पता नहीं क्या है, और वो है मीनारे हम बहुत सीरियस बनते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।